सो पहले पर कैपेसिटर हमको फाइंड करना है, तो सिंपल सा कैपेसिटर हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करती है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो ये अगर कोई प्लेट है, इसको हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो ये क्या करेगी, चार्ज को स्टोर करेगी, ठीक है। तो सिंपल सा इसी को हमने क्या नाम दिया, कैपेसिटर, क्लियर है। बट हमने क्या देखा था, हमको जितना चार्ज चाहिए उतना चार्ज यहाँ पर स्टोर नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला कैपेसिटी का, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर राइजिंग यूनिट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अगर इसका एक यूनिट वोल्ट, एक वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, तो जितना चार्ज दिया है वो किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो हमको क्या पता चला कि अगर पोटेंशियल हम कम करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्लियर। तो हम ए प्लेट के पास में एक और क्या लगा दी थी, बी प्लेट लगा दी थी और उसको अर्थिंग कर दिया था, उसके कारण क्या हुआ था, ये पॉजिटिवली चार्ज थे तो यहां पे क्या है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, क्लियर। और दोनों के बीच का जो, तो पहले जो प्लेट ए का पोटेंशियल था वो प्लेट भी लगाने के बाद डिक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो सर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले क्या है, तुम इसको चार्ज दे रहे थे, एक दो तीन चार पांच दस पंद्रह बीस पचास चार्ज दे दिए, फिर नहीं दे पा रहे थे, क्यों, क्योंकि अब सब अपोज करेंगे। फिर क्या करा हमने, और चार्ज देने के लिए फिर हमने क्या करा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज किया, तो कैसे किया, तो पास में एक प्लेट लगा दी, फिर और चार्ज देने लग गए, 51 52 ऐसा 60 70 80 100 100 चार्ज दे दिए, अब और नहीं दे पा रहे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही। जैसे सिंपल का समझो ना, कि मान लो कि 10 लीटर की बाल्टी है तो सब पानी कितना आएगा, 10 लीटर ही आएगा ना, है ना। अगर 10 लीटर के बाद और पानी भरूंगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, लीकेज होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होता है, ये अगर 100 चार्ज ले सकती हूँ, 100 चार्ज ले लेगी, उसके बाद क्या होगा, जब 101वां चार्ज दूंगा, मतलब एक चार्ज और दूंगा, तो हमने देखा था एयर का क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और एयर में सारे इलेक्ट्रॉन चले जाने लगते हैं, तो 100 तो इस पे रहते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन दोगे अब वो एयर में जाएंगे, ठीक है। तो 100 ही कैपेसिटी है, तो उससे ज्यादा तो, हमने प्लेट लगाई, पोटेंशियल कम किया तो कैपेसिटेंस और बढ़ा, पर अभी भी फुलफिल नहीं हो रही। हमने कल इसका फॉर्मूला निकाला था, क्या था, एक्स और वाई प्लेट के बीच की डिस्टेंस थी हमारी कितनी, डी, इस पे थी हमारी प्लस सिग्मा डेंसिटी, माइनस सिग्मा डेंसिटी थी, है ना। डेंसिटी मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे इसका, तो सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। हम अगर क्यू निकाल के यहां रख दे, वी निकाल के रख दे, तो हमारा सी फाइंड हो जाएगा। तो क्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने क्यू देखा था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा यहां से, क्यू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहां पे रख देंगे क्यू की जगह। सेकेंड क्या निकालना है, पोटेंशियल वी, तो वी कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, क्या देखा था कि जितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने डिस्टेंस में काम कर रही है उनका जो प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर, तो वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल, तो ई मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में काम कर रही है, डी डिस्टेंस में काम कर रही है। अब क्या होगा, अब ए की जगह ए की वैल्यू रखे, तो हमने देखा था सिग्मा होती, चलो क्यू की जगह क्यू रख देते हैं, सिग्मा ए अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा और ए अपॉन डी, क्लियर। अब तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, देखो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस किस पे करते, एक तो ए पे करेगा, मतलब किस पे करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कंडक्टर, है ना। ये प्लेट है ना, ये ऐसी ऐसी रखी हुई है, सामने से ऐसी दिख रही है ना, प्लेट है ये, ठीक है, तो इसके एरिया पे डिपेंड करेगा। सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा, इसकी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस पे। और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट पे, क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो समझना है यहाँ पे, फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है वो कैसा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, क्लियर।
मतलब एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और हम तो यही चाहते हैं ना, कैपेसिटेंस चाहिए हमको ज्यादा, ठीक है। तो एरिया हम ज्यादा करेंगे, पर एक लिमिट है, मेरी बात सुनो। अगर एरिया हमने ज्यादा कर दिया और पंखे में लगा दिया और पंखे से ही बड़ा कैपेसिटर बन गया, तो क्या करेंगे उसको? टीवी में लगाना है, मोबाइल में लगाना है, उससे बड़ा ही कैपेसिटर बन गया तो फिर कोई काम का नहीं है ना। मोबाइल में लगाना है, छोटा सा कैपेसिटर ही लगेगा ना, इतना बड़ा तो लगेगा नहीं। यह हमारी लिमिटेशन है कि हम उतना ही रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या है, जो जगह है वो उसकी लिमिट है। सेकेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है? डी पर, मतलब प्लेट के दोनों के बीच की डिस्टेंस पर, क्लियर। तो चलो देखो अब यहाँ पे कि दोनों पे जब डिपेंड कैसे कर रहा है, तो अगर मैं डिस्टेंस दोनों के बीच की बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ी तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस घटा, और डिस्टेंस कम करी तो कैपेसिटेंस बढ़ा। पर यहाँ देखो वो भी लिमिट है, अगर मैं डिस्टेंस कम करते जाता हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा ये एक्स और वाई प्लेट इतनी पास में आ जाएगी कि क्या होगा, पोलरिटी क्रिएट होगी और ये प्लस इधर माइनस की ओर चले जाएगा अट्रैक्ट होके। तो वो भी लिमिट है ना कि हम उससे पास नहीं कर सकते, इतना पास कर लिया, इससे ज्यादा करेंगे तो वो प्लस माइनस सब इधर से फ्लो होने लग जाएंगे, तो चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा, फिर तो लीकेज हो जाएगा। लिमिटेशन है कि इससे हम कम नहीं कर सकते। अब थर्ड वाली देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नो, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने। सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर मीडियम की मैं क्या करूंगा, ये वैक्यूम की होती है, एप्सिलॉन नोट लगाया है। अगर वैक्यूम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ये दो तो हमारे पास क्या है, इसकी लिमिटेशन है, तो ये हम फिक्स हमारे पास है कि उतनी ही रख पाएंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे और कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। जैसे समझो स्टार्टिंग में एक प्लेट लगाई थी, उसमें कम कर पा रहे थे, फिर हमने क्या करा, जैसे घर के लिए, घर से बाहर अभी जैसे बहुत सारे लोग मांडव घूमने जाते, चलो वो तो एक दिन में आ जाते, मान लो कि तुम बड़े हुए कहीं घूमने गए बाहर 2-3 दिन के लिए, और क्या हुआ वहां पे, तो पहले क्या करोगे, बैग वगैरह कपड़े वपड़े रखोगे, तो होता क्या, बैग बहुत बार फुल हो जाता है, और ज्यादा कपड़े रखना तो क्या करते हैं फिर, तो बैग कपड़े उनको दबाते और तो हम क्या करेंगे, जैसे शर्ट वगैरह को हम रोल करके ना फिर रखते हैं, जैसे टी शर्ट को रोल करके रख लेते हैं ना, है ना, ऐसे बैग तो पूरा भर जाता है, फिर टी शर्ट को रोल करके ऐसे साइड में रख लेते, ठीक है। ये जब इंदौर जाओगे ना तुम लोग अगले साल, तो सबको यही करना, अपन सोचते एक ही बैग में सारा सामान आ जाए, अपने पास बैग है दो, पर अपन क्या सोचते हैंडल करना आसान हो, ऐसा आ रहा समझ में। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे एप्सिलॉन नोट को बढ़ाएंगे, ये कैसे बढ़ाएंगे, तो इनके बीच में हम क्या फिल करेंगे, अब डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल करेंगे इसके बीच, और डायलेक्ट्रिक मीडियम मतलब क्या, इंसुलेटर फिल करेंगे, जैसे प्लास्टिक रख दिया, रबर रख दिया, है ना, पेपर का पीस रख दिया, इस कारण से आया समझ में। तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कंडक्टर, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट पे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखो कैसा पूछेंगे वो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, वो क्या पूछेंगे क्वेश्चन कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एरिया है वो हमने आधा कर दिया, जैसे एरिया कितना कर दिया हमने, आधा कर दिया, मतलब a by 2 हो गया, हमने जो d है दोनों की प्लेट के बीच की डिस्टेंस वो डबल कर दी, 2d हो गई, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो निकाले, तो बहुत आसान तरीका है, देखो पहले मान लो कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, ये कैपेसिटेंस था पहले, जब हमने उसमें चेंज नहीं किया था तो पहले प्लेट का कैपेसिटेंस तो यही होता है कैपेसिटर का, अब जब चेंज किया तो C2 क्या हो जाएगा, देखो तो एप्सिलॉन नोट A, तो A कितना हो जाएगा, A बाय 2, और D कितना हो जाएगा, 2D। तो जब ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A अपॉन 2 अपॉन में आएगा तो 4d,
और जब ध्यान से देखोगे इसको तो ये इतना इतना तो क्या है, ये तो सी वन है अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाई सी वन, मतलब कितना हो जाए, पहले अगर 200 माइक्रोफेरेड था तो अब कितना बचेगा, फोर टाइम्स कम मतलब 200 अपॉन फोर मतलब 50 माइक्रोफेरेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि जब आपने क्या कर दिया, प्लेट का एरिया हाफ कर दिया, आधा कर दिया और डिस्टेंस दोनों के बीच की डबल कर दी तो क्या होगा, तो बात है कि कम होगा ये तो पता है, क्योंकि एरिया कम करेंगे तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी कैपेसिटेंस कम, आ रहा समझ में। अब अगर ऐसा पूछ लिया कि एरिया तो आधा किया और डिस्टेंस कर दी, तो यहाँ ए बाई टू आएगा, यहाँ डी बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा तो सेम ही रहेगा ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ एग्जाम में, है ना, तो ध्यान रखना इन चीजों का। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं देखो, ये सी वन था, इसको ए वन बोल दो, इसको डी वन बोल दो, यहाँ पे सी टू बना लेता हूं, ए टू अपॉन डी टू, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट, तो सी टू अपॉन क्या होगा सी वन, और इक्वल टू में क्या आएगा, तो सी टू ये है एप्सिलॉन नॉट ए टू अपॉन डी टू, और सी वन क्या है एप्सिलॉन नॉट ए वन अपॉन डी वन, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, ठीक है, तो क्या होगा सी टू बाई सी वन इक्वल टू डी वन, सबसे ऊपर जाएगा ए टू डी वन अपॉन ए वन डी टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट निकाल लोगे, देखो ए बाई टू क्या था, तो यहाँ ए टू की जगह ए बाई टू रखना, ए वन की जगह ए, डी की जगह डी टू की जगह टू डी, और डी की जगह डी, तो भी करोगे तो यही आएगा सी टू इक्वल टू वन अपॉन फोर सी वन, इजी हो गया। आप इसी को जो ट्रिक बोलते हैं, इसकी ट्रिक लगा दी, ठीक है, आई आई टी जेई नीट में करते हो तो वही ट्रिक बन गई ना, इसे बना के रखी है, बाकी ट्रिक तो कुछ नहीं है, हमने डिवाइड करा ना दोनों का, आया समझ में, इतना समझ में आया, ठीक है ना, जितना भी आया उतना समझो, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले तीन चार दिन अच्छे से समझाया था, उसके बाद ये चीज समझाई थी कल, तो आज तो और मैंने जल्दी जल्दी बताया है, और तुम लोग कल आए नहीं थे, बाहर गए थे, तो क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके आगे हमको अभी हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक का समझा, अब विद डाइलेक्ट्रिक का समझना है, कि डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, फिर समझना है कि आधा आधा फिल कर दिया तो क्या होगा, ये अलग मटेरियल का लगा दिया, ये अलग मटेरियल का तो क्या होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन फिर आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वहां कंफ्यूजन होगा, क्लियर है, तो क्लियर कर लेंगे। सिंपल सा कैपेसिटर तुमने देखा होगा पहले, जैसे इसमें तो देखा है फैन में, जिसको क्या बोलते हो, कंडेंसर बोलते हो ना, कंडेंसर भी उसी को बोलते हैं, कैपेसिटर भी उसी को बोलते हैं, हिंदी में संधारित्र बोला जाता है। तो क्या करता है वो, अगर मान लो कैपेसिटर नहीं लगा हो उसमें तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, होगी ना कम, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटर अगर नहीं लगा हो स्पीड कम होगी, मतलब क्या कर रहा है कैपेसिटर, जैसे उसके अंदर वो कैपेसिटर अभी भी चार्ज है, कैपेसिटर निकाल के तुम हाथ लगाओगे ना करंट लग जाएगा, इसलिए कभी ऐसा करना नहीं। मैंने एक बार कहा था करंट लगा था, ठीक है, बात पता बाद में चला पढ़ाने लगा तो अब जैसे ही चालू किया मैंने तो क्या करा, तो करंट तो जा रहा है, वायर में रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उतना करंट नहीं दे पाएगा ये, तो वो कैपेसिटर जो है वो उसको उस टाइम उतना चार्ज दे रहा है, एक मिली सेकेंड में बहुत सारा चार्ज दे रहा है, तो वो देखो स्पीड पकड़ी, अब डिस्चार्ज हो गया, अब वापस चार्ज हो रहा है, ऐसा ये मोबाइल चार्जर है, ये मोबाइल चार्जर में ये लगा कैपेसिटर, दिखा, ये लगा, ये लगा, ये रेजिस्टेंस लगे, ये डायोड वगैरह आगे पढ़ना है वो लगे है, ये ट्रांसफार्मर लगा है, जो बाहर देखते हो ना बड़ी वाली कोचिंग के बाहर जाके देखो ट्रांसफार्मर, तो सबका कोई ना कोई काम है, ठीक है, ये मोबाइल चार्जर के अंदर का है, मोबाइल के अंदर का देखोगे तो उसमें भी ये दिखेंगे, आ रहा समझ में, टीवी में देखोगे तो उसमें भी दिखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ग्रीन कलर की प्लेट आती है ये पीछे ग्रीन कलर है ना, तो इसमें लगे हुए तुमको हर जगह दिखेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, बहुत कम सेकेंड में ज्यादा चार्ज दे देना, एक बैटरी या एक सेल उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता है, पर ये चार्ज स्टोर करेगा बिना रेजिस्टेंस और बहुत टाइम में एकदम बहुत ज्यादा चार्ज ये दे देगा, इतना क्लियर, ठीक है। देखो सिंपल सा अपन यहाँ पे अगर देखें तो ये
कैपेसिटर ही है ना, ये क्या है, कैपेसिटर ही है। अच्छा कैपेसिटर है ना, इसको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करूंगा, तो इसको चार्ज देने पड़ेंगे। तो अपन ने एक बैटरी लगा रखी है, दिख रहा है ना सबको, एक बैटरी लगा रखी है, इससे इसको हम चार्ज देंगे, ठीक है। और ये जब चार्ज हो जाएगा होना चाहिए, तो जब एलईडी से कनेक्ट करेंगे, बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, जलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो सिंपल, अब देखना है ना, यहाँ पे कुछ इंटरनली मैंने वायरिंग नहीं कर रखी, मैं अलग अलग ही बताता हूँ, आज ही मैंने इसको भी चिपकाया इसको। देखो ये जब इसमें होगा इसी तरह, ये जो रेड वायर निकल के जा रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल, वायर जो निकल के जाके ओरिजिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल में लगा है, तो ये चार्ज हो। अब देखो ये रेड वाला वायर इधर भी जुड़ा है एलईडी से, है ना, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल। अब इससे जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो तुमको क्या दिखेगा, है ना, लाइट जली और फिर बंद होगी वापस, जैसे देखो वापस बहुत कम चार्ज स्टोर कर रहा है ना इस कारण से, ये चार्ज हो गया, ठीक है। देखो लाइट बंद करके देखो, अब देखो इसको मैं जैसे इसमें करूं हुआ, और अभी भी जल रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, तुमको नहीं दिख रहा होगा, अभी भी जल रहा है, अभी भी जल रहा है। जब पास से देखोगे ना तो ये क्या करेगा, तो ये धीरे 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 ग्लो लगेगा। मैं अगर डायरेक्ट बैटरी से जोड़ूंगा तो इतना ग्लो नहीं करेगा वो, जितना कैपेसिटर से कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो कम चार्ज दे रहा है, और जब हम उसको कैपेसिटर से जोड़ रहे हैं तो एकदम बहुत ज्यादा चार्ज मिल रहा है, वो चार्ज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब डिस्चार्ज होते चले जा रहा है। इसका अगर मैं ग्राफ देखो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, चार्ज यहाँ लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे अपन, टाइम, है ना, टाइम बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा, देखो, तो जब चार्जिंग करोगे तो क्या होगा, देखना, जब मैं क्या करूंगा चार्जिंग, तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, तो टाइम के साथ धीरे धीरे चार्जिंग हो रहा है, चार्ज, क्लियर। अब जब डिस्चार्ज होगा तो क्या, हाँ, तो चार्ज इतना था तो क्या होगा, अब टाइम के साथ चार्ज डिक्रीज हो, तो कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ये रेड वाला ग्राफ चार्जिंग बताता है और डिस्चार्जिंग बताता है, आ रहा समझ में। ये कैपेसिटर जो है वो कितने का है, तो ये 100 माइक्रोफेरेड का, कितने का है, 100 माइक्रोफेरेड, मतलब और अगर ध्यान से देखोगे तो कितना है, 0.0001 फेरेड, इतना कम है ये, ठीक है ना, क्योंकि हमको मोबाइल फोन वगैरह में इसमें बहुत कम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्लियर हुआ, बना लो, बनवा लूंगा मैं अच्छे से, अभी तो समझाने के लिए बताया इसको, वो तो कल उतार ही लिया था तुमने, वो क्या है, वो मेरे को मिल नहीं रहा, वो उसको कटवा भी है तो उसके अंदर भी बता दूंगा, होता क्या है इसके अंदर, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ना पूरी, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा एरिया करने के लिए पेट देते गोल गोल करके, तो जैसे मान लो मैं सीधी रखूंगा यहां से वहां तक की, ठीक है, तो इतना एरिया घेरेगा वो, पर अगर इसी पे मैं कोई चीज यहां से वहां तक की, तो वो थोड़ा सा एरिया घेरेगा ना, ठीक है, फिर पेपर लपेट देते तो डाइलेक्ट्रिक का काम करता है बीच में, फिर एल्यूमिनियम की प्लेट लपेट देते, अंदर वाले को चार्ज देते और बाहर वाले की अर्थिंग कर देते, ऐसा कुछ, ये कुछ मटेरियल है, इसके ऊपर अपन पहले एल्यूमिनियम की फॉइल लपेट दी, फिर क्या लपेटा, तो फिर हमने लपेट दिया इसके ऊपर पेपर, वापस एल्यूमिनियम की फॉइल, जो अंदर एल्यूमिनियम की थी उसको चार्ज दे रहे, हर वाली को अर्थिंग कर दी, तो जब ऊपर से तुम देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये अंदर यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉइल है, फिर ये पेपर है, फिर ये एल्यूमिनियम फॉइल है, तो देखो बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया ये, और यहाँ पे तो इसको हम चार्ज देते और इसको अर्थिंग कर देते, ऐसा है ना, तो इसके अंदर ऐसा ही है, ये क्या है, बहुत कम पोटेंशियल पे फूट जाते हैं, जो चार्जिंग वाले बल्ब आते हैं ना उसमें लगे हुए रहते, तो वो चार्जिंग वाले बल्ब जो खराब होते हो किस कारण से होते, इसी के कारण से, है ना, तो अपन क्या फेंक देते फिर नहीं लाते,
और ये 25 पैसे 50 पैसे का अगर कैपेसिटर डाल दे उसमें, तो वो फालतू 200-300 रुपए की खर्चा ही नहीं अपना। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? वो मेरे को भी जब पता चला अपने यहाँ क्या है, 2-3 फूट गए थे मेरे साथ, चार्जिंग पे लगा दिया था तो फूट गए थे, तो जब निकाला तो देखा तो उसका कैपेसिटर उड़ गया था। और वो होता क्या है कि ये लोग लगा के वापस वही बेच देते अपने को, और सुधारने के 50 रुपए ले लेते हैं, 50 पैसे का कैपेसिटर आता है। आ रहा समझ में? पर अपने को इतना पता नहीं है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? इतनी एक चीज क्लियर हो गई है ना? चलो बढ़े अब इससे आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। उसमें भी दो टाइप के, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक या फुल्ली डाइलेक्ट्रिक फिल करते, तो अपन तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का भी देखते हैं, फिर अपन आगे समझेंगे उसको। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। चलो करें अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट। तो सिंपल सा पहले समझो इसका क्या है डायग्राम, क्या फील करेंगे। तो वही चीज, एक प्लेट हमने पहले लगाई, एक प्लेट हमने यहाँ पे ये लगाई, कौन सी एक्स प्लेट है ना, इसको हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्लियर। सेकेंड प्लेट इसके पास में रखी, कितनी डिस्टेंस है इसकी यहां से यहां तक की? डी। ठीक है, ये कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी इसके कारण, पोलराइजेशन के कारण। और इसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज की कमी हो तो वो अर्थ से ले ले यहाँ पे। ठीक है, ये वाई है, इसका क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी माइनस सिग्मा होगी, इसकी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा। तो ये पहले वाला अरेंजमेंट था हमारा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, कैसा कि एक तो मैं इतना सा फिल करूं और एक पूरा जो तुमको अंदर स्पेस दिख रहा है पूरे में फिल कर दूं। तो एक फुल्ली होगा, एक पार्शियली डाइलेक्ट्रिक। तो हम पार्शियली वाला पहले देखते हैं, फिर उसी में आप जो रखेंगे, जैसे इसकी वैल्यू अपन कितनी देंगे, टी देंगे, कि टी ने रखा है। जैसे देखो ये रखा मैंने डाइलेक्ट्रिक, ये रख दिया, कितनी थिकनेस का रहा, स्मॉल टी थिकनेस का। अब अगर फुल्ली निकालना है तो टी इक्वल टू डी तो निकल जाएगा ना, तो हम टी वाले का निकाल देते हैं। ठीक है, चलो इसका कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, याद आया क्या होता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हाँ, के रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल ही होता है। के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल ही होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या, हाँ, जैसे देखो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था ना, जब हमने, जब Q1 और Q2 चार्ज कहाँ रखे हैं, Q1 और Q2 चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं, तो कहाँ रखे हैं, तो इनके बीच में वैक्यूम है, अभी इसमें वैक्यूम। तो फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2, या अगर लिखो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² ये लगेगा फोर्स। अगर पीएम फिल कर देता हूं कोई, मैंने यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया, ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, इसको मैं एफ वी से बता रहा हूँ, वैक्यूम फिल है इसलिए मैं वैक्यूम है, और मीडियम फिल है तो एफ एम से बता रहा हूँ, कितना लगेगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम, क्योंकि मीडियम की बात हो रही है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। ठीक है,
अब अगर हम क्या कर दे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे, तो देखो क्या आएगा, एफ वी अपॉन एफ एम, यहां क्या आएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सभी समझ जा रहे क्यू वन से क्यू टू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 4 से 4, पाई से पाई, तो क्या होगा एफ वी अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम 1 के अपॉन में, मतलब अपॉन के 1 के अपॉन में तो ऊपर चले जाएगा और एप्सिलॉन नोट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो निकला फोर्स का वैक्यूम टू दी मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मीडियम टू दी वैक्यूम, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। याद आया? तो हम जब के निकालते थे तो के की वैल्यू ये होती थी, के इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन एम क्या आता था, के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नोट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस इक्वेशन आएगा एग्जाम में। जैसे क्या पता चला इससे क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बनी, क्योंकि आपको सिर्फ एप्सिलॉन नोट पता होना चाहिए, है ना। ठीक, एप्सिलॉन नोट तो सभी को पता है कितना होता है, हाँ 8.85 इंटू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो कि एप्सिलॉन तो समझना, अगर किसी मटेरियल का पता है तो एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा यही रहेगा कांस्टेंट, के किसी मटेरियल के लिए 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट में तो एप्सिलॉन एम निकल जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम उसके लिए किसी मटेरियल के लिए, तो के इसलिए इंपॉर्टेंट है। और के किस में नंबर में होता है कि 1, 1.2, 1.5, 3, 4 इस टाइप से। वैक्यूम के लिए कितना होता है 1, तो यहां जब 1 लिखेंगे तो क्या होगा एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम वो लेके चलते हैं वैक्यूम के लिए। एयर के लिए भी करीब के इक्वल टू 1 ही लेते हैं। ठीक है, थीके? करना हो तो कर लो नोट, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। ठीक है, हाँ अब अपन इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। तो ये याद रखना एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नो। हाँ अब क्या करेंगे, तो हम निकालते हैं इसका, तो कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटेंस वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक में निकाला था। क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताऊं, सी इक्वल टू क्यू बाई, है ना। तो हमको Q निकालना पड़ेगा और V निकालना पड़ेगा और यहाँ पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो पहले क्या निकाले हम, V निकालेंगे, पर V निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, ED होता है, तो E निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स कितनी आएगी,
क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेट्स, बताएंगे इसको। अब जरा ध्यान देना, वहां कितनी थी? तो वहां थी सिग्मा अपॉन, ठीक है, वहां डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। यहां डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? तो याद करो वापस से, क्या याद करो, अभी सेकंड चैप्टर में, सॉरी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में अपन ने देखा था ना बिहेवियर ऑफ अ इंसुलेटर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर और बताया था। तो इंसुलेटर ही क्या डाइलेक्ट्रिक है, तो कैसा बिहेवियर रहता है इसका? तो जब इधर पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं तो यहाँ क्या होता है, तो इस सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये सरफेस, और ये हो जाएगी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, उस कारण से क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है वो है हमारी कौन सी, जो ये प्लस माइनस से, तो वो अगर कैपिटल ई एक्स टी या कैपिटल ई है मान के चलो, ठीक है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड से, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, कैपेसिटी जब हमने डायलेक्ट्रिक फील्ड किया तो इसमें इधर नेगेटिव आ गए इधर पॉजिटिव आ गए, तो क्या करेगा ये, तो क्या देखा था हमने कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी खुद की, जिसको हम क्या बोलते थे, हाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि इंड्यूस्ड हुई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वो कुछ नहीं करता, अब ये अप्लाई करी तब उसने बना, इसलिए इंड्यूस्ड हुई, उसने से प्रेरणा ली और इंड्यूस्ड हुई, तो क्या हुई, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। तो ई जो काम कर रही है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये खाली खाली हिस्से में कौन, ई काम कर रही है, और अंदर डाइलेक्ट्रिक में कौन काम कर रही है, ई इन काम कर रही है। तो देखना, तो खाली में तो सिर्फ ई काम कर रही है जो ये खाली हिस्सा है, ठीक है, और जो अंदर ये भरे हुए हिस्से में, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी समझना, ये खाली में तो ई काम कर रही है पर अंदर ई इन काम कर रही है और ई इधर से कर रही है, तो अंदर टोटल कितनी होगी, ई माइनस ई इंड्यूस्ड, ये समझ में आया है। हिस्से में कौन सी काम कर रही है, ई काम ही करेगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव में काम कर रही है, क्लियर, ठीक है। अब अंदर देखो, अंदर क्या होगा, तो ई तो काम कर रही है इसके ऊपर भी, पर अंदर इंड्यूस्ड ई इंड्यूस्ड भी काम कर रही है, तो टोटल अंदर कितनी होगी, डायरेक्शन देखो, ये इधर है और ये इधर है, तो इसमें से माइनस हो जाएगी, क्लियर हुआ, तो ये चीज ध्यान रखना। पर ई हमको निकालना है अभी, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है नॉर्मल जब हम डायरेक्टली फिल नहीं करते उस केस में, पर फिल किया तो क्या होगा, तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब क्या आएगा, इस पे माइनस सिग्मा पी डेंसिटी आ जाएगी, किसी सर पे चार्ज डेंसिटी आ जाएगी माइनस सिग्मा पी, पी क्यों लिखा, क्योंकि पोलरिटी के कारण आ रहा है ना, अपन ने कितने दो या तीन दिन पहले पढ़ा था ना, ठीक है, पूरा एक घंटा इसी पे कर दिया था, तो बताने की जरूरत नहीं, प्लस सिग्मा पी, ठीक है, कुछ नहीं, अभी इतना समझो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा ही बनेंगे, यहाँ और पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे तो यहाँ नेगेटिव और ज्यादा बनेंगे, तो पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, तो पोलराइजेशन के लिए सिग्मा पी लिखा, और ये भी पोलराइजेशन के कारण ही हुआ ना, तो सिग्मा पी लिखा, ठीक है। अब देखो दोनों को मिला के मैं लिख लेता हूँ, तो जाता है टोटल इसकी सिग्मा लग रही है और माइनस क्या हो जाएगी, सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, नोट, अब यहाँ कंफ्यूजन ये मत रखना कि ये प्लस थी माइनस भी थी, तो आपने से प्लस ही ली माइनस, ठीक है, तो प्लस में ले लो माइनस में ले लो, बात एक ही रहेगी, तो समझना, वहां सिर्फ एक करती थी तो सिग्मा लगाते थे, यहाँ सिग्मा सिग्मा पी भी है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी होगी इतनी। अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, मैंने बताया ना पहले ई निकालेंगे फिर भी निकालेंगे सेकेंड, तो अब निकाले पोटेंशियल बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेट्स, तो पोटेंशियल कितना निकलेगा, तो क्या होता है पोटेंशियल, ई मल्टीप्लाई बाई डी, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है डिस्टेंस में काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय ये जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब यहाँ पहले ये नहीं था तो पूरे डी में सिर्फ ई काम ही कर रही थी, तो हमने क्या लिखा था, वी इक्वल टू ई डी, पर अब ऐसा काम नहीं चलेगा, तो
तो क्या करेंगे, तो देखो खाली खाली जगह पे कौन काम कर रही है, कैपिटल ई, और खाली जगह की कितनी डिस्टेंस है, ये टोटल डी है और ये टी है, तो खाली जगह ई कितनी बचेगी, हाँ डी माइनस टी, तो ई मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी। अब अंदर निकालनी है तो प्लस लगाएंगे, और अंदर की निकालनी है तो क्या होगी, ई माइनस ई इन, तो इसको अपन नाम दे देते हैं ई ओ से नाम दे दो, तो ये क्या हो जाएगी ई ओ, और कितने में काम करेगी ये, टी में। इस चीज को समझना, देखो वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली हिस्से में कितने काम कर रही थी, कैपिटल ई, और डिस्टेंस कितनी थी ये खाली जगह की, तो टोटल डी है, और ये टी में फील्ड है तो डी माइनस टी, तो डी माइनस टी का कर दिया। फिर ई की क्यों किया, क्योंकि अंदर की नहीं निकाली थी, तो अंदर कितनी काम कर रही है, ई माइनस ई इन इंड्यूस्ड, ई में से इंड्यूस्ड माइनस करी, तो उसको किससे बताया, ई नोट से, तो ई नोट लिखा, और कितने में काम कर रही है, डिस्टेंस, तो टी में, तो टी का मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस क्यों करा, पोटेंशियली है ना, ठीक है। या होमोजेनिटी पढ़ा होगा 11th में कि सेम डायमेंशन वाले को प्लस किया जा सकता है, जिसको प्लस कर दिया। इतना समझ में आ गया कि ज्यादा हो रहा, क्यों करो आदित्य, ठीक है, ये हो गया है ना। अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ई की वैल्यू रख सकते हैं। देखो ई की वैल्यू होगी, ये अपन लास्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की जगह रख देते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डी माइनस टी, और अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट, प्लस ये देखना ई नोट का वैल्यू है, तो समझना इसका। आप अब देखा था ना क्या निकली थी, देखो एप्सिलॉन एम किसके इक्वल निकला था, के एप्सिलॉन नोट के इक्वल निकला था, ये निकला था। तो अगर तुम यहां से निकालना चाहोगे किसका, दो सेकेंड है ना, ये ई के फॉर्म में निकालना, अपन बाद में ही रख देंगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक। चलो वी निकाल लिया, अब क्या निकालना पड़ेगा, तो वी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, क्यू, तो चलो क्यू निकाल लें। क्यू क्या होता है, चार्ज, तो हम किस है वो, तो चार्ज क्या होती है, क्यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए, चार्ज निकल गया है प्लेट पे, पर ध्यान दो सिग्मा की जगह क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि यहाँ पहले डायलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था ना, इसलिए, तो क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो सिग्मा की जगह क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी मल्टीप्लाई बाई, क्लियर इतना। अब चलो रख दें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई वी, तो क्यू कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी ए, में क्या रखें, V की वैल्यू, तो E D माइनस टी प्लस, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, देखो E की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, अभी E नोट की जगह क्या रखेंगे, तो वो भी सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, पर अपॉन में क्या आएगा, तो ध्यान देना एप्सिलॉन नोट की जगह क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के कारण वहां के एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, समझ में आया, पहले डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उसके लिए एप्सिलॉन नोट था, पर यहां क्या आ जाएगा, अपॉन में के एप्सिलॉन नोट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नोट की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में के एप्सिलॉन नोट और टी। अब इसको बस सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी ऊपर है और नीचे भी है, तो नीचे से कॉमन निकलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर ए, अपॉन में क्या बचेगा, देखो ये अपॉन में यहाँ पे एप्सिलॉन नोट भी कॉमन निकल जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा, समझ में आया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी यहाँ से कॉमन निकला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में सिग्मा नोट आया तो वो ऊपर आ जाएगा, और यहां अपॉन में क्या बचेगा, तो देखो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन,
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। ये सीक्वल जाएगा, देखो ये आया, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा आगे बढ़ लो, फिर समझाता हूँ इसको। अगर ये T पूरे में फिल तो T और D इक्वल होते, तो D और T इक्वल होते तो क्या होता, इफ D किसके कुल हो जाता, T के, तो क्या होता, D तो D है, ये D हो जाता प्लस D बाय K, तो D से D कैंसिल, तो C क्या हो जाता, K एप्सिलॉन नोट A बाय D। अब जरा ध्यान दो, अपन ने जो पहले फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकला था, C इक्वल A अपॉन D, ये क्या था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या आ गया विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटी बढ़ी या कम हुई, बड़ी, क्यों बड़ी, क्योंकि K टाइम्स बढ़ गई ना। जैसे देखो एप्सिलॉन A बाय D, मतलब अगर 200 माइक्रोफेरेड थी तो K की वैल्यू तो हमेशा कितनी होती है, एक से ज्यादा ही होगी, क्योंकि वैक्यूम के लिए वन है वो, तो उससे ज्यादा ही होगी मटेरियल के लिए। तो मान लो दो रहती तो क्या 2 × 200 माइक्रोफेरेड, मतलब 400 माइक्रोफेरेड बढ़ेगी ना, तो क्या हुई K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर क्वेश्चन नया बना, क्योंकि अब तो MCQ आना है CBSE में, तो क्या बनेगा कि अगर हमने पहले जो कैपेसिटर था उसकी जो कैपेसिटी थी वो सी थी, और बाद में हमने क्या कर दिया, बाद में के डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें बीच में फिल कर दिया, तो कितनी हो जाएगी कैपेसिटी। तो अगर पहले सी थी तो के मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी, आ रहा समझ में, इसीलिए हम इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करते, ठीक है। तो इसको इतना नोट करो, फिर बाकी अपन क्या करेंगे इसको, फिर इस फॉर्मूला को कल ही समझा दूंगा डिटेल में, है ना। बहुत सारी चीजें इससे न्यूमेरिकल बनेगी, तो इसको तो अच्छे से क्लियर करना ही पड़ेगा, अभी तो नोट कर लो। तुम्हारा नाम यश है ना, और तुमका राज हो ना, हाँ वही, आज यश नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ तुम होगे, क्या हो गया यहाँ पे शिफ्ट, फिर गांव से आना जरा कर। ठीक है, फिर कल इसके आगे बढ़े अपन, है ना। बायो भी पढ़ना था, केमिस्ट्री पढ़ना था, नहीं आया था ऊपर, प्री बैठे थे, तो इतना भेज था।
चलो ठीक है, आज होगा थोड़ा आया था क्या? दूर रहता है ना, हो गया केस? तो बोलते कि नहीं।